वापसी है, कोचनी वापसी ही देख। जहाँ से तुम्हारी सोच शुरू होती है ना, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मोदी जी की सोच शुरू होती है, समझा। आज पूरे अमेरिका में, आज पूरे एक मिनट अबे सुन सुन, आज पूरे अमेरिका में डंका बज रहा है, समझा। क्या समझा, घर किसका चला दिया, किसका? हाँ तो क्या हो गया फिर? तू मोदी का एक काम करिए भाई, तू ना तू मोदी का चल रही थी। केजरीवाल क्या कर रहे थे? केजरीवाल हाँ, संजय सिंह क्या कर रहा था पता आपको? फालतू बकवास कर रहे हो आप। महानगर गंदा आदमी केजरीवाल, सबसे घटिया नेता केजरीवाल। क्या कोई पक्का मुहारे जिंदगी भर के लिए? हर चीज़ का एक अधिकार होता है, अगर कोई पढ़ लिख के उस लायक है तो उसे वो अपनी सीट खोजता है। यूं तो भाई अखिलेश यादव को बना दीजिए, वो भी युवा है, वो तो टोटी चोर है। छटान होता, छटान हर चीज का एक छटान होता है। जैसे आदमी खाने के लिए चावल दाल बिचार के बनाता है, सेफई को देश की राजधानी बना देगा वो। बॉलीवुड से नचनिया मंगवा के नचाएगा क्यों? अब सारे प्रोग्राम बंद हो गए ना, जब से मोदी जी बने हैं वो सेफई महोत्सव ही बंद हो गया। मायावती को इतनी मोटी मोटी नोटर की माला मिलती थी वो ही बंद हो गया। क्या कैसे हो गया बंद? वो वो चीज चालू रहना था ना, बंद क्यों हुआ? अगर उनमें काबिल लेते तो चालू करना था उनको, उनके घर के पैसे से करते ना, जनता के पैसे से करा उसको सब। पूरे जनता का पैसा लूट करके तो रख लिए, बच्चों को लैपटॉप दिया था और एम्बुलेंस। आप अच्छा शासन दो बाकी सब ले लेंगे, सब शख्स में आप तो अच्छा शासन दो बाकी सब कर लेंगे, सबके दो हाथ है, सब कमाएंगे, सब में अकल है, सब में अकल है, फिर का नहीं खाना है। अरे भाई योगी को कह देते हैं कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उनका, बहुत बहुत बढ़िया है उनका। आज बता दूं मैं, भारत में 27-28 राज्य हैं तकरीबन मेरे हिसाब से, ठीक है। द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, योगी। और आप ये मत मानिए कि वो सिर्फ कानून, और आप ये मत मानिए कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। सुनिए मेरे बात, अभी उन्होंने जस्ट तकरीबन एक हफ्ता पहले बिजली मंत्री और बिजली सचिव को बुलाया है। उन्होंने पता है क्या बोला उसको? कि एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जानी चाहिए मेरे प्रदेश में, गाँव में भी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। उसको क्या मतलब था? बिजली नहीं जानी चाहिए मेरे, क्योंकि भयंकर गर्मी है। उन्होंने बोला क्या, अगर बिजली खरीद दो। पहले मेरी गली का ट्रांसफार्मर फूक गया, 2 घंटे में ट्रांसफार्मर आ गया। कभी के टाइम में हम ऊपर बैठ कर देखा करे, वो बल्ब जल गया, भाग के जाओ लाइट, जब तक वहाँ गई लाइट नहीं, उसका क्या करना। मैं आज हमारा 2500 रुपए का बिल आ रहा, मैं वो दुखता नहीं। उस टाइम साला हमारा 200 गाँव था, मैं वो दुखा था। वही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो फ्री में दे रहे हैं भाई, टहल रहे हैं, टहल रहे हैं। जनता फ्री वोट दे रही है क्यों? जनता को फायदा, जनता कह रहे, जनता वोट दे रहे मोदी की, जनता कह रहे मोदी खराब है, मोदी की वोट दे रहे, यूपी वोट दे मोदी होगा फिर प्रधानमंत्री। कहाँ के रहने वाले? हमें उड़ीसा के, उड़ीसा में भी बीजेपी आसी, ओडिशा में भी बीजेपी है इसी साल 2024 में। राहुल गांधी अमेरिका गए थे, राहुल गांधी अमेरिका गए थे, अमेरिका पाकिस्तान अभी कुछ बुराई करके, मोदी जी की बुराई करी थी, ट्रक में बैठ कर गए थे, बारे में सोचना नहीं है, गोली खावा ना नींद की, जब भी नहीं सोच सकते हम सुपने हैं। बागपत से तब भी नहीं सोच सकते भाई साहब, इस मुद्दे को कोई नहीं हिला सकता। मोदी जी ने जो छवि बना दी ना हमारे देश की, 2014 से पहले हमें ना पता था राजनीति क्या हो, नेता क्या हो, क्या हो, ठीक है ना। 2014 के बाद में हमें पता राजनीति अपने देश कैसे बचाया जाएगा, कैसे हमें चलाया जाएगा, वो हमें जो दिया वो मोदी जी ने दिया है हर चीज का। अच्छा, बात बात में लोग कह देते हैं कि मोदी के बाद योगी, भाई ये कौन सी बात है? एक बात बताइए, उत्तराधिकारी कोई तो बनेगा, कोई तो बनेगा। अब यूपी के अंदर ये रहते हैं भाई साहब, इनसे पूछो, अब बुरा मत मानना, इन ये अपनी जवान बहन को रात को 12 बजे भेज देंगे, पहले सोच सकते थे? मैं भेज दूंगा, अब जा तू ये गली पार कर ले, खेत में चली जा, ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो भाई सीएम है, सीएम बने रहने दीजिए ना, पीएम बनाने की क्या जरूरत है ना, कोई तो चाहिए ना। मोदी जी तो मुहारा जिंदगी भर के लिए, क्या कोई पक्का मुहारे जिंदगी भर के लिए? हर चीज का एक अधिकार होता है, अगर कोई पढ़ लिख के उस लायक है तो उसे वो अपनी सीट खोजता है। यूं तो भाई अखिलेश यादव को बना दीजिए, वो भी युवा है, वो तो टोटी चोर है। छटान होता, छटान हर चीज का एक छटान होता है। जैसे आदमी खाने के लिए चावल दाल बिचार के बनाता है, सेफई को देश की राजधानी बना देगा वो। बॉलीवुड से नचनिया मंगवा के नचाएगा क्यों? अब सारे प्रोग्राम बंद हो गए ना, जब से मोदी जी बने हैं वो सेफई महोत्सव ही बंद हो गया। मायावती को इतनी मोटी मोटी नोटर की माला मिलती थी वो ही बंद हो गया।
क्या कैसे हो गया बंद वो? वो चीज चालू रहना था ना, बंद क्यों हुआ? अगर उनमें काबिल लेते तो चालू करना था उनको, उनके घर के पैसे से करते ना, जनता के पैसे से करा उसको सब। पूरे जनता का पैसा लूट करके तो रख लिए, बच्चों को लैपटॉप दिया था और एम्बुलेंस। आप अच्छा शासन दो, बाकी सब ले लेंगे, सब शख्स में आप तो अच्छा शासन दो, बाकी सब कर लेंगे, सबके दो हाथ है, सब कमाएंगे, सब में अकल है, सब में अकल है, फिर का नहीं खाना है। अरे भाई योगी को कह देते हैं कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उनका, बहुत बहुत बढ़िया है उनका। आज बता दूं मैं, भारत में 27-28 राज्य हैं तकरीबन मेरे हिसाब से, ठीक है, द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी योगी, और आप ये मत मानिए कि वो सिर्फ कानून, और आप ये मत मानिए कि वो सिर्फ कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। सुनिए मेरे बात, अभी उन्होंने जस्ट तकरीबन एक हफ्ता पहले बिजली मंत्री और बिजली सचिव को बुलाया है, उन्होंने पता है क्या बोला उसको कि एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जानी चाहिए मेरे प्रदेश में, गाँव में भी, ये हकीकत है, ये हकीकत है। उसको क्या मतलब था बिजली नहीं जानी चाहिए मेरे, क्योंकि भयंकर गर्मी है। उन्हें बोला है कि अगर बिजली खरीदो खरीदो पैसा मैं दूंगा, बिजली नहीं जानी चाहिए गाँव तक में भी, और यह हकीकत है। मैं यूपी में गाजियाबाद में रहकर कुछ काम था 10 दिन तक, ठीक है, मैं हैरान हुआ कि लाइट देख के, लोग मैंने पूछा लोगों से कि क्या हुआ, बोला बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर अखिलेश मायावती की सरकार होती तो आपको 6 घंटे लाइट मिलती, अब हमारे को 22 घंटे लाइट मिल रही है। दो दिन पहले मेरी गली का ट्रांसफार्म फूक गया, 2 घंटे में ट्रांसफार्म आ गया, कभी के टाइम में हम ऊपर बैठ कर देखा कर रहे, वो बल्ब जल गया, भाग कर जाओ लाइट, जब तक वहाँ गई लाइट नहीं, उसका क्या करना, मैं आज हमारा 2500 रुपए का बिल आ रहा, मैं वो दुखता नहीं, उस टाइम साला हमारा 200 गाँव था, मैं वो दुखता था। वही तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो फ्री में दे रहे हैं भाई, क्या तो फ्री का चाहिए, फ्री का हमें नहीं चाहिए किसी को भी, यू फ्री का लॉलीपॉप जिसे मिलेगा, अब दिल्ली वालों को मिल रहा है, अभी लाल लगे सबके, यू आने वाले टाइम में नहीं दे होगा, हमें नहीं देने का, हम तो गाजियाबाद में रहे, योगी जी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं होगा। और पिक्चर अभी इंटरव्यू जब मोदी हट जाएंगे, जब इंटरव्यू होगा और पिक्चर जी सही शुरू जब होगी, जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरी पिक्चर जब शुरू होगी हिंदुस्तान के, तो ट्रेलर चल रहा है, आने वाला भविष्य देखो, आने वाला टाइम देखो, अपने बच्चों को क्या क्या देखा जाएंगे आने वाला टाइम, बिल्कुल से इतनी अपेक्षा क्यों है, नंबर वन बता दे रहे हैं, नंबर वन बीजेपी आएंगे सर, मोदी आएंगे 24 में। मैंने आप तक सुन रहा था, एक बात इन सबों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये 9 साल राज कर रहा है, कर तो रहा है ना, तो 9 साल से हमें अच्छी अच्छी चीज इन्होंने सिखा दिया, एक तो नोटबंदी के चक्कर जिससे लाइन पर लग जाओ, पीछे के दरवाजे से नोट पूंजीपतियों के पास, जिसका नोट है उनके पास पहुँच रहा है, एक नंबर की बात है। दूसरा बात है, आप गरीब लोगों को आप जाके लाइन में धक्का खाते रहो, सुबह से शाम हो जाए, आपके पीछे वाला जो है वो उनका 10 मिनट टाइम नहीं है, उनके साथ आए, उन्होंने जितना भी था नोटबंदी के अंदर उनका कम सब हो गई, 10 मिनट टाइम नहीं लगा। अगर आप 10 घंटे में भी दूसरी समस्या उन्होंने और भी अच्छा सिखाया, जो आप सिलेंडर ले लो फ्री में ले लो, 500 का सिलेंडर 1200 में ले लो, इनका सब्सिडी की प्रयोग कर लो, आपके लिए मौका, आज जो सब्सिडी भी खत्म है, जनता 3000 भी तीसरी तो समस्या लेंगे। तीसरी है उन्होंने बताया था जो नोटबंदी के, अगर नोटबंदी में इंडिया का जनता की या इंडिया की अगर हालत चेंज ना हो, अगर इंडिया के कोई हमें उसमें बड़ी विकास ना दिखा दे नोटबंदी के बाद, तो हमें बीच चराई में जाके ऊंचे खंभा में लटका दे। तीन का उत्तर ले लेते हैं, तीन का उत्तर ले लेते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ किस प्रदेश से आते हैं। मैं पीछे बंगाल से, और अभी मैं दिल्ली में बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, तीन प्रश्न है, पहला तो लाइन में लगा दिया, पूंजीपतियों को पीछे से नोट दे, बताइए प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, पहले आप बताओ, ये जो गठबंधन हो रहा है बिहार में, इतना लोग हैं, ये लोग डिसाइड कर दे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम उसी को वोट दे देंगे, पूरी जनता उसी को वोट दे देंगे, ये 10 लोग हैं जो ये है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद हैं, ये डिसाइड कर ले केजरीवाल की प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ कोई लॉटरी सिस्टम नहीं, ममता बनर्जी भी तो है भाई साहब, नहीं तो ममता बनर्जी तो बताए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमेशा एक बात देखो, हमेशा सत्य पूरे कलकत्ता खा गया ममता बनर्जी,
पूरे खा के बैठे हैं, एक नंबर के बदमाश है वो। घुसपैठिया को भर रखा है बांग्लादेश में, बाहर से लाला के वहीं बसा रहे हैं। अब वो क्या देश चलाएगा ऐसे, फिर पूरा देश वही कर देगा। देखो मोदी जी अकेले हैं।